वैवाहिक जीवन में बोर्डम कैसे अवॉइड करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। शादी के बाद एक साल तक बहुत उत्साह, जोश सेक्सुअल लाइफ में रहता है, बहुत मजा आती है। प्यार करना, मजाक करना एक दूसरे की, घूमने फिरने जाना, ये चालू होता रहा। एक साल कैसा निकल जाता मालूम भी नहीं पड़ता। हो सकता है कि फिर प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो एक बच्चा हो जाता है और पत्नी जो है वो बच्चे में मशगूल हो जाती है और उसमें वो बिजी हो जाती है। फिर हो सकता है कि बराबर प्लानिंग नहीं किया या प्लानिंग किया, जो भी किया होगा वो एक साल दो साल, वो जब बड़ा बच्चा होता है पहला वाला, तो फिर दूसरा भी बच्चा हो जाता है और फिर वो उसमें और बिजी हो जाती है। तब तक आदमी का अपने लाइफ में सेटल होना, अपने सर्विस में सेटल होना, या प्रमोशन के लिए कोशिश करना, या बिजनेस होगा तो बिजनेस के लिए जरा वो स्थिर होने के लिए, स्थायी होने के लिए, उसके लिए कुछ दौड़ धूप करना, वो चालू हो जाता है। धीरे धीरे होता क्या है कि एक 5, 7, 8, 10 साल में शादी के बाद वो शादी का जो जोश है, जो उत्साह है, वो जो प्यार है, वो सब निकल जाता है और वो दिन कहीं निकल गए मालूम ही नहीं पड़ता। तब तक बच्चे 7, 8 साल के यदि हो गए तो उनकी माँ मतलब पत्नी, बच्चे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके इसमें बिजी रहती रहती है, उनकी पढ़ाई लेना, उनको स्कूल भेजना, उनके कपड़े, खाना पीना, और आदमी जो है वो अपने बिजनेस में बिजी हो जाता है। अब ये करते करते उनका सेक्सुअल लाइफ जो है वो एक रूटीन सा हो जाता है और फिर धीरे धीरे बोर्डम आना चालू हो जाता है। मतलब उसमें कोई मजा नहीं आता, एक करना है सेक्स करके करते हैं लोग। तो उम्र के 38, 40, 42 साल में काफी लोग मेरे पास में होते हैं कि आते हैं कि अभी कठोरता नहीं आती लिंग में, या जल्दी वीर्यपतन हो जाता है। लिंग में कठोरता आती है मगर जितनी कठोरता चाहिए उतनी कठोरता नहीं आती, वाइफ कोऑपरेट नहीं करती, बच्चे भी बड़े हो गए तो हम साथ में सोते, उनको पहले से आदत लगाई हुई है साथ में सोने की, बच्चे सोने के बाद में फिर सेक्स करना तो हम थक जाते हैं। और हमारे कल्चर में ये भी है औरतों को कि ठीक है बच्चे हो गए तो अब काय को करना सेक्स, मतलब ये भी अभी बहुत सारा है। फिर उसमें सेक्स में बोर्डम आ जाता है और फिर आदमी बाहर कुछ कोई नया मिलता क्या, नई चीज, नया सेक्स, नया रिलेशनशिप, इसमें वो लग जाता है कि कुछ तो भी नया मिलेगा, नयापन, क्योंकि वो बोर हो गया फिर आदमी नयापन के पीछे जाता है और फिर उसमें फिर तनाव आना चालू हो जाता है। क्योंकि पहले ही यदि औरत अपने इसमें बिजी हो गई और उसको थोड़ा भी शक आ गया, और वैसे भी औरत को शक आते रहता है कि भाई कुछ है क्या बाहर, कुछ संबंध है क्या, और उसमें फिर वो रिलेशनशिप में यदि आ गया तो फिर दोनों में तनाव आना शुरू हो जाता है। ये सब अवॉइड करने के लिए किए है कि जो पहले साल में सेक्सुअल रिलेशनशिप थे वो 10वें साल में भी होना चाहिए, वो 15वें साल में भी होना चाहिए, वो 30वें साल में भी होना चाहिए। सेक्स जो है वो लोग अपने बेडरूम के सीमित ही रखते हैं, तो वो ना रखते हुए अलग अलग बेडरूम्स में, मतलब अलग अलग कमरे में जाके सेक्स कर सकते हैं। या प्यार जो है वो सिर्फ बेड के ऊपर ही गए तो प्यार करना ऐसा नहीं है, प्यार भी बाहर कर सकते हैं, तो वो संभव है। दूसरा ये है कि ये एक्नॉलेज करना, मतलब ये मान्य करना कि देखो अभी शादी को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, और अभी वही वही सेक्स, वही वही औरत या वही वही हस्बैंड के साथ में सेक्स करते करते बोर्डम आ गया है, ये मान लेना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ये बहुत बड़ा मतलब उसका एहसास करना, वो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। फिर इसके बाद में सेक्स करने के पहले थोड़ा सा एक सेंशुअल म्यूजिक लगाना, फिर सेक्सुअल मटेरियल कुछ पढ़ना, फिर कुछ सेक्स के मूवीज या पिक्चर्स देखना, मतलब ऐसा कुछ तो भी आपको उत्तेजना आने के लिए आप कर सकते हैं। फिर अलग 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 आसनास है, मतलब अभी आप आसन की पढ़ाई करेंगे कि अलग अलग सेक्सुअल आसन, तो 365 दिन के 365 आसन आपको मिल जाएंगे कि वो आसन आप अलग अलग करते तो उसमें रुचि आएंगी, ज़्यादा मजा आ जाएगी। फिर अलग कुछ बॉडी फ्लेवर्स जो है, मतलब वो स्प्रे मारना, कुछ ऐसे अच्छे स्प्रे लगते हैं जिनका ऑर्डर अच्छा लगता है तो वो स्प्रे मार रहे हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल करना, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर एक वेकेशन लेना, एक 8-15 दिन के लिए वेकेशन लेते हैं और बाहर जाते हैं, तो उसमें भी जरा एक घूम फिर के आ गए तो जरा दिमाग फ्रेश हो जाता है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर एक दूसरे को बहुत करीब आना, इंटीमेट। मैंने पहले बोला कि पहला साल जो है इंटीमेसी का वो धीरे धीरे कम होता जाता है और 15वें साल में रहता नहीं है। 15वें साल में भी वो इंटीमेसी कैसी रहेंगी हस्बैंड वाइफ में, दोनों साथ में वो कैसे इंटीमेट रहेंगे, और दोनों जैसे एक है, दे आर वन, कोई एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है,
कुछ भी कंप्लेंट नहीं है, एक दूसरे का बहुत प्यार है, एक दूसरे को कुछ छुपा नहीं रहे, एक दूसरे के प्रति बहुत आदर है, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, और वो यदि करते हैं, दोनों एक मिलकर रहते हैं, नो अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं, जो भी है वो खुला है, ट्रांसपेरेंसी है, तो बहुत प्यार दोनों में हो सकता है। फिर कैंडल लाइट में सेक्स करना, मिरर के सामने सेक्स करना, एक अलग अलग सेंटेड सेंट लगाना बॉडी को, है ना, अलग अलग रंग मतलब अलग अलग लाइट्स में सेक्स करना, ये भी काफी उत्तेजनात्मक हो सकता है। मैंने बताया कि ये तो सब बाहरी चीज हो गई। सबसे पहले जो है, जो हमारे देश में है, कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। दिन भर हस्बैंड जो है वो अपना करियर बनाने के चक्कर में है, अपने दोस्तों में रहता है, ये बच्चे बड़े करने के चक्कर में रहती है, और बहुत दूर दूर जब हो जाते हैं तो सिर्फ सेक्स करने के लिए जब आते हैं साथ में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वाइफ को मतलब पत्नी को ऐसा लगता है कि देखो इसको सेक्स की जरूरत है तो सिर्फ मेरे पास में आता है, अदरवाइज दिन भर में बात भी नहीं करता है, तो उसमें उसको एक एहसास होता है कि मुझे वापर लिया, मेरा इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ सेक्स करने के लिए पास में आता है, सेक्स करता है बाद में सो जाता है, पूछता भी नहीं कुछ, तो फिर उसका इच्छा जो है वो धीरे 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 कम होती जाती है, क्योंकि वाइफ को पत्नी को मतलब औरतों को एक्चुअली सेक्स इंटरकोर्स मतलब एक्चुअली सेक्स करने में मजा नहीं आती, उनको सेक्स के पहले का प्यार और सेक्स के बाद का प्यार इसमें बहुत मजा आती है, कि उनके साथ में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आके बैठ रहे हैं, मतलब ये जो है तो ये औरतों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो ज्यादा करना है। और आदमी को क्या होता है, पुरुषों को सिर्फ इंटरकोर्स करने में मजा आता है या उसमें उनको इंटरेस्ट रहता है, तो उसमें इंटरकोर्स करना और निकल जाना यदि करते हैं तो औरतों का इंटरेस्ट निकल जाता है और वो एक हानिकारक हो सकता है, और फिर बोरडम उसको हो जाता है, उसका बोरडम हो गया औरत का, तो फिर वो कोऑपरेट नहीं करती है और फिर आदमी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये यदि आप पूरा देखते हैं जो अभी तक मैंने जो बताया कि क्या क्या नुस्खे है, तो उसमें आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।